हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं ड्रग्स। अगर ड्रग्स की बात की जाए तो इससे आपके एग्ज़ाम में, अगर हम बात करें, अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और स्कूल लेक्चरर हुआ और या फिर किसी भी स्टेट पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हुआ, ड्रग्स से हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही है। सही है, थोड़ा सा टॉपिक थ्योरेटिकल है लेकिन हमें इसमें कुछ याद रखना है। लेकिन मैं जितने भी आज के सेशन में जो बातें या डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, उन आपका सवाल हो जाएगा। सही है, तो शुरुआत करते हैं यार आज के सेशन की इसी के साथ। एक बार कनेक्ट हो जाइएगा। सही है, और मैंने कहा था यार आप ड्रग्स पढ़ के आओगे और फिर आपको चेक करने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा यार, कनेक्ट हो जाइएगा। सही है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें। सही है, क्योंकि यार टारगेट है हमारा, जो टारगेट हमने लेके चल रखा है कि 110 जो क्वेश्चन है वो हमारे भाई डायरेक्ट किए हुए आने चाहिए और डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिएगा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बच्चों कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया यार लाइक कर दीजिएगा। इतना काम आप जरूर करते रहो, वीडियो को जरूर शेयर करते रहो। सही है, चलिएगा तो शुरुआत करते। देखो यार, पहला क्वेश्चन है आपके पास, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में पूछा गया था, आइडोफोम जो है वो हमारे पास इज मेनली यूज्ड फॉर। ध्यान दीजिएगा, देखो यार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे ज्यादा पहली जो करेक्टराइजेशन हम क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है ड्रग्स में, वो हमारे पास पूछा जाता है, ये चार टर्मिनोलॉजी आपको अब साथ साथ समझते हुए भी चलिएगा। एक आता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। सही है, एंटीसेप्टिक की बात की जाए ना, बस सुनते जाना, थोड़ा थोड़ा अपने जो नोट्स हैं उनमें इस बात को जरूर लिखते हुए चलना। सही है, एंटीसेप्टिक की अगर बात करें ना, तो देखो हमें बॉडी पे कई बार कट लग जाता है, चोट लग जाता है, सही है, वाउंड लग जाता है, सही है, घाव हो जाता है, तो जनरली वहां पे जो हम ड्रग यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। सही है, ड्रग्स के लिए। सही है, अब एंटीसेप्टिक की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी से कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सही है, जो अब पहला जो सवाल आरपीएससी ने 2011 में पूछा आपसे कि भाई आइडोफोम बताइएगा किसके लिए यूज किया जाता है, तो बेसिकली ये हमारे पास वाउंड्स यानी कि कोई कट लग गया, सही है, घाव हो गया, उसके लिए हम आइडोफोम का यूज करते हैं। उसके अलावा देखो इससे रिलेटेड और भी थोड़ा ध्यान देना, जैसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लूँ तो आप डिटोल की बात करते हो ना, डिटोल भी हमारा किस में आता है, एंटीसेप्टिक में आता है। सही है, डिटोल होगा, हाथ धोते हैं हम, कुछ भी करते हैं, सही है, वो भी इसी का भाग है। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है यार, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, या तो फिर ज्यादातर दांतों को फर्शनिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर ईयर्स कानों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है H2O2 का। सही है, और आइडोफोम हो गया ये आपका किसके लिए यूज किया जाता है, वाउंड्स के लिए। सही है ना, कहीं पे लग गई, चोट लग गई, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इसमें एक और खास एग्जाम्पल होता है एंटीसेप्टिक का, जैसे हमारे पास बोरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो पॉइंट मैं आपको बताता हुआ चलूँ वो यहीं पे आप सुनते हुए जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पेपर में दो सवाल हर बार ड्रग से आते हैं और आज की क्लास से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, यस यस, बिल्कुल सही है, एकेडमी जयपुर जयपुर कह रहे। देखो, जो बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसको हम क्या यूज करते हैं, ये भी हमारे पास एज ए एंटीसेप्टिक का काम करता है। यस, आंखों को साफ करने के लिए यूज करते हैं। सही है ना, ये हमारा वीक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है ना, वीक, माइल्ड, माइल्ड एंटीसेप्टिक एजेंट आप इसको बोल सकते हो। सही है, चले आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहली टर्म ने आपको बताई एंटीसेप्टिक। सही है, दूसरी टर्म हमारे पास आती है यार, देखो एक और होता है हमारे पास एंटी पायरेटिक। देखो एंटी पायरेटिक वर्ड का मतलब सुनना समझना, बस यही पे बातों को ध्यान से रखते हुए चलना है। एंटी पायरेटिक का जो काम होता है ना, जस्ट टू डाउन द बॉडी टेम्परेचर। सही है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना। सही है ना, मान लो हमें फीवर हो गया, सही है, फीवर हो गया, तो फीवर के लिए हम क्या लेते हैं, तो वहां पे जो भी ड्रग्स हम लेते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, एंटी पायरेटिक। तो आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है, बताओ एंटी पायरेटिक ड्रग किस लिए यूज की जाती है, जस्ट टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। सही है, और इसका एक बढ़िया एग्जांपल आप भी दे सकते हो यार, सिंपल, यस सर, बिल्कुल सिंपल सा है कि हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल हम लेते हैं ना, पैरासीटामोल आप खाते हो, सही है, क्या करने के लिए, सर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए। सही है, क्लियर है, एंटीसेप्टिक या एंटी पायरेट क्लियर हो गया है, एंटीसेप्टिक क्लियर हो गया है, दो टर्म हमारे पास क्लियर हो गई है। दूसरा और अगर इसका एग्जाम्पल लूँ तो एस्पायरिजिन, एस्पायरिन होता है, एस्पायरिन, वो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस के लिए हम यूज करते हैं, एस्पायरिन हो गया। सही है, एक होता है फिनेंसिन, ये भी आया हुआ सवाल है, फिनेंस्टीन, ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। सही है, तो ये तीनों ड्रग याद रखिएगा,
एस्पायरिन हो गया है, पैरासीटामोल हो गया है, और तीसरा हमारे पास फिनेंस्टीन। थ्योरी सीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई थी। अब देखो यार, इन दोनों वर्डों को और समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक अगर ड्रग की बात की जाए ना यार, इसका काम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो एनाल्जेसिक ड्रग है ना, ये हमारे पास क्या करती है, ये ड्रग जस्ट टू रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द पेन, बस इतनी इतनी बातें आपको याद रखनी है, रिड्यूस द पेन, सही है, यानी कि ये हमारे पास एज ए पेन किलर का काम करती है। अब सुनो ध्यान से, जो पैरासीटामोल है, ध्यान रखिएगा एक एक बात को कीजिएगा, पैरासीटामोल जो है वो दोनों कैटेगरी में आती है, एक तो एंटी पायरेटिक का काम करती है टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, और दूसरा एज वेल एज एनाल्जेसिक भी होती है, सही है ना, तो दोनों बात दोनों काम करती है पैरासीटामोल, सही है। एक वर्ड आता है एनास्थेटिक, एनास्थेटिक की अगर बात की जाए ना यार, एनास्थेटिक ड्रग की बात की जाए, तो ये क्या किया जाता है, ये ड्रग तब दी जाती है हमारे पास बॉडी में टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन, सही है ना, हमें क्या होगा, जैसे मान लो आपका पैर में चोट लगी, ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके पैर को क्या कर देता है, सुन कर देता है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो ड्रग है, ये हमारे पास टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए यूज की जाती है। तो चार टर्म मैंने आपको बताई है, चारों टर्म को हिंदी में लिख लेना, सही है। पहली बात एंटीसेप्टिक, सर ये कट लग जाए वहां पे हम यूज करते हैं, उसके एग्जाम्पल भी हमने कर लिए। एंटी पायरेटिक टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के काम आता है। तीसरा है एनाल्जेसिक, सर रिड्यूस द बॉडी पेन, पेन को कम करने के लिए। जो हमारे पास पैरासीटामोल है वो दोनों काम करती है, सही है। एनास्थेटिक की बात की जाए तो ये अभी मैंने बताया टू क्या काम करती है, एनास्थेटिक ड्रग्स क्या करती है, बॉडी सेंसेशन को टेम्परेरी कुछ समय के लिए लॉस कर देती है, सही है, सुन कर देती है, सही है। चलिएगा सर, सीट में स्ट्रक्चर दे रखे, याद, स्ट्रक्चर से सवाल नहीं पूछे अभी, देखो पहला सवाल था बिल्कुल आसान सा था, स्ट्रक्चर जहां जहां हमें फोकस कर, हाँ हम फोकस करेंगे, सही है। चलिएगा तो पहला सवाल हो गया, चारों टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो गई है, बस हमें इतना ही काम करना है। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। द वाइडली यूज्ड पेन रिलीवर एस्पायरिन, एस्पायरिन को हम यूज करते हैं, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है यार, आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, एस्पायरिन जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें थोड़ी करेक्शन कर लेना यार, जो एस्पायरिन होता है ना, एस्पायरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमारे पास होता है सैलिसिलिक एसिड, सही है, यानी कि फिनोल ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे हम एसिडिक ग्रुप लगा देते हैं, सही है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहाँ पे हमारे पास ये जो एल्कोहल था ना, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ओ एच ग्रुप था, यहाँ पे हमारे पास ये सी ओ एच रहेगा, और यहाँ पे ये वाला एस्टर वाला ग्रुप लग जाता है, सही है, और इसी का नाम है हमारे पास एस्पायराजीन, सही है, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनता है, तो ये होता है हमारे पास एस्पायराजीन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2011 में, देखो दो सवाल आगे है ड्रग के 2011 में, मैं कह रहा हूँ आज की क्लास आप अच्छे से कर लोगे, सारी बातें सुन लोगे, आपको चलो थ्योरी सीट समझ नहीं आई, लेकिन अब जो बातें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ इनको अच्छे से कर लेना, सवाल इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपसे अगर ऑप्शन की बात पूछा जाएगा, बताइएगा, पहला कह रहा है यार ट्रीटिंग फिनोल विद एसिटिक एनहाइड्राइड, फिनोल को अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाएंगे ना तो नहीं बनेगा ये, सही है ना, यस यस बिल्कुल सही है। पाइंस अकेडमी कह रहे हैं सर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलाइसिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, और किसके साथ करवाएंगे, इसको करेक्ट कर लेना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे, रिएक्टिंग सैलाइसिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हो गए ना, रिएक्टिंग सैलाइसिलिक एसिड विद मिथेनॉल, यहाँ पे मिथेनॉल, यहाँ पे आप लिख लेना एसिटिक एनहाइड्राइड, डी ऑप्शन हो जाएगा, दो ऑप्शन सेम बना के दे दिया यार, एक करेक्शन कर लेना, सही है ना, द करेक्ट आंसर बी डी। एस्पायरिजीन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले यार, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, इतनी बात तो अब आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है। तो स्टार्टिंग में चार कैटेगरी ड्रग की बताई है मैंने अभी तक, और भी जो जो पॉइंट आपको बताता हुआ चलू उसको नोट करते हुए चलिएगा, क्या पता एस्पायरिजीन का आपसे फॉर्मूला पूछ ले, सही है, आपसे यही पूछ ले एस्पायरिन जो है ये हमारे पास कौन सी ड्रग है, सही है, ड्रग किस कैटेगरी की है, तो प्लीज इसको अब नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो भाई साहब तीसरा सवाल आ गया है, तीसरा सवाल आ गया है रे, तीसरा सवाल आ गया है आरपीएससी 2011 में, तीसरा सवाल आ गया ड्रग का, छोटा सा चैप्टर है, आपके 6 नंबर बन जाएंगे इस सेशन से, सही है। और जिन बच्चों ने कितना ही पढ़ लिया हो यार, एक बात मैं आपको फिर से कह देता हूँ, 110 सवाल का टारगेट लिया था ना, आपको मिलेंगे, सही है, इस बोर्ड पे हुए ही मिलेंगे आपको, सही है, इतने क्वेश्चन पिछले एक साल में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बस बात यह है आपने ध्यान दिया नहीं दिया। अगला सवाल देखो यार,
यार, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज नॉट एंटीबायोटिक, इनमें से बताओ भाई साहब एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है, एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है। एंटीबायोटिक से भी भाई सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आ जाओ भाई साहब, देखो अब अगला टर्म समझो, देखो यार बता दीजिएगा, यस मॉर्फिन नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब सुनो देखो यार, देखो एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें ना यार, एंटीबायोटिक में भी हम दो प्रकार की ड्रग डिस्कस करते हैं और दोनों कैटेगरी भी आपको क्लियर होनी चाहिए, सही है ना। एंटीबायोटिक में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, एक कैटेगरी हमारे पास आती है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल बैक्टीरियल SIDL, और एक आता है हमारे पास बैक्टीरियल स्टैटिक। दो दो ड्रग आती है यहाँ पे, एक तो बैक्टीरियल और एक आता है बैक्टीरिया बैक्टीरियल स्टैटिक। दोनों में ध्यान रखना यार, इन दोनों का मतलब समझ लो, दोनों से सवाल आए हुए हैं, सही है। तो एंटीबायोटिक को दो कैटेगरी में हमने बांटा है, एक बैक्टीरियल नामा नाम दिया है, दूसरा है बैक्टीरियल स्टैटिक। देखो जब भी हमारे पास बॉडी में कहीं पर भी मान लो जैसे बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए डॉक्टर हमें देता है एंटीबायोटिक, सही है ना। अब होता क्या है, ये एंटीबायोटिक भी दो भागों में बांटी गई है। बैक्टीरियल क्या करती है, ये वो ड्रग है जो जैसे ही आप बॉडी में लोगे, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको खत्म कर देती है, किल कर देती है। ये क्या करती है, ये उनके केवल मेटाबॉलिज्म करेक्टर पर अफेक्ट करती है, सही है ना, या उनकी ग्रोथ को कम करती है। लेकिन बैक्टीरियल ड्रग जो होती है ये उनको बिल्कुल ही मार देती है। तो कैटेगरी में भाग में हमने इनको बांटा है, दोनों से सवाल पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए ना, जैसे टेरामाइसिन, ये टेट्रामाइसिन होता है, टेट्रामाइसिन किस में जाता है, ये हमारा स्टैटिक में जाता है। पेंसिलाइन, पेंसिलिन, देखो पेंसिलिन के साथ एक खास बात और है, ध्यान दीजिएगा, पेंसिलिन जो थी, ये जो ड्रग थी, दीजिएगा, इसको सबसे पहली जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग थी ना, वो हमारी पेंसिलिन थी, पहली पहली जो सबसे पहली जो बनी जनरली पेंसिलिन, सही है। और इसको ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने इसको बनाया था सबसे पहले, किसने बनाया था, फ्लेमिंग एलेक्जेंडर ने पेंसिलिन को, फ्लेमिंग एलेक्जेंडर याद रखिएगा, सही है। दूसरा हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, पेंसिलिन हो गया, ये दोनों की दोनों हमारे पास बैक्टीरियल होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे। पहला जो है टेट्रामाइसिन, ये हमारे पास आता है किसमें, बैक्टीरियल स्टैटिक ड्रग में आता है। तो एंटीबायोटिक थी, हमसे पूछ रहा है कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है यार, एंटीबायोटिक हमारी नहीं है, कौन नहीं है, मोरफिन, क्या नहीं है, मोरफिन, ये एंटीबायोटिक नहीं है, सही है, यस बिल्कुल सही है, हाँ याद रखिएगा, चलिएगा, पढ़ के आए हो तो आप इतना तो याद कर सकते हो, चलिएगा आगे मूव करते हैं, सही है, चलिएगा आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर चार की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है पैरासीटामोल इज, देखो आ गया यार सवाल, आ गया बिल्कुल आसान सा, और ये पूछा 2013 में, कब पूछा, 2013 में, सही है। तो अगर पूछा जाए पैरासिटामोल, अभी मैंने पढ़ा था भाई साहब, अब देखो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, सर जी एंटी कैंसर, नहीं भाई, एंटी मलेरियल, नहीं भाई, क्योंकि ये तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल नहीं भाई, क्या होती है, एंटीपायरेटिक, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। दूसरा अगर मान लो यहाँ पे एंटीपायरेटिक ऑप्शन नहीं देता, एंटीपायरेटिक पेपर में ऑप्शन नहीं देता, तो फिर हमें क्या देता सर, एनिलिया जेस्टिक, सही है, याद रखिएगा यार, समझा नहीं समझे, कर लोगे बोलो यार, सही है, या ये दे दे या फिर आपके पास एनाल्जेसिक, ध्यान रखिएगा यार, दोनों दोनों एंटीपायरेटिक भी होता है पैरासीटामोल और ये भी होता है, समझा नहीं समझे, इसकी फॉर्मेशन पैरासीटामोल की सपने को आती है, सबने पढ़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, हाँ सिप्रोफ्लोक्सीन इज क्या, ये कौन सी ड्रग है यार, सिप्रोफ्लोक्सीन, सिप्रोफ्लोक्सीन कौन सी ड्रग है, बता दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर पांच, सिप्रोफ्लोक्सीन अगर आप पढ़ के आए हो तो जवाब दीजिएगा भाई साहब, सिप्रोफ्लोक्सीन से क्वेश्चन पूछा गया है, सिप्रोफ्लोक्सीन बता दीजिएगा कौन सी ड्रग है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, एंटी कैंसर है, बायोटिक ड्रग है, एंटीबायोटिक ड्रग है, या फिर एंटी टीबी ड्रग है। मैं कह रहा हूं बायोटिक एंटीबायोटिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई,
हो गया होगा। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैक्सिम बच्चों ने, अब सुन लो यार, देखो, यस ही विल बी द करेक्ट आंसर, सही है ना। एंटीबायोटिक ड्रग है, और ये किस लिए यूज की जाती है भाई साहब, ये भी याद रखना, सही है ना। कोई बात नहीं, ढंग से याद नहीं है, बस आप यहाँ पे फोकस करो, मैक्सिमम लास्ट में हम कंक्लूजन कर देंगे, बस क्वेश्चन देखते जाओ, ध्यान से सुनना भाई साहब। देखो एंटीबायोटिक ड्रग है ये, हमारे पास बोन में इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन ज्यादातर वहां हम इसको यूज करते हैं ना, बोन इन्फेक्शन में, सिप्रोफ्लोक्सीन, सही है, नाम हो जाएंगे याद, सही है ना। क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट ही होते हैं। आ जाओ, ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एनजाइटी। देखो स्ट्रेस और एनजाइटी के लिए जनरली हम एंटी डिप्रेसेंट एजेंट यूज करते हैं, और देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें हम जो यूज करते हैं ना, वो हमारे पास यूज करते हैं ट्रांसक्विलाइजर्स, ट्रांसक्विलाइजर नोट कर लीजिएगा, किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेस, फटीक हो गई, सही है, थक गए, दिमाग में स्ट्रेस हो गया, सही है, दिमाग घूम गया आपका, उसमें कौन सी ड्रग यूज करते हैं, ट्रांसक्विलाइजर, सही है। ये सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा भाई, इसमें ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो ट्रांसक्विलाइजर में, सही है। इनको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक वर्ड और लिख देता हूं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, याद रखिएगा। फॉर्मूला नहीं पूछेगा भूपेश मेरे भाई, फॉर्मूला पूछने के लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, हम कोई डॉक्टरी तो कर नहीं रहे, हम कोई डॉक्टरी तो नहीं कर रहे, सही है। इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ भाई, एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये भी पेपर में आइप्रोनाइज्ड, और दूसरा हमारे पास आता है फिनेलिजीन, फिनेलिजीन, ये सब ट्रांसक्विलाइजर है, या फिर एंटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बोल सकते हो। एक हमारे पास होता है क्लोरो डाइएजो इपोक्साइड, नाम याद रखने हैं बस यार, चार्ट बना लेना सब ड्रग का, एक एक कैटेगरी में नाम याद रख लेने, कुछ इंपोर्टेंट है अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो, बस याद रखिएगा, सही है। ट्रांसक्विलाइजर वो ड्रग होती है जिनको हम ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहली बात फटीग हो जाए, थकावट हो जाए, सही है, दिमाग में स्ट्रेस आ गया, हाइपरटेंशन हो गई, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, स्ट्रेस एंड एनजाइटी, ट्रांसक्विलाइजर कर लोगे, ये सब आएंगे, ये सब आएंगे थोड़ी देर में, सारी टर्म आएंगे, एंटा एसिड भी पढ़ेंगे, एंटी हिस्टामिन भी पढ़ेंगे, और प्रोनटोसिल ये भी पढ़ेंगे, सब आएंगे, सारी की सारी ड्रग आएंगे, सही है। जितने आज के क्वेश्चंस में ड्रग इन्वॉल्व है उन सब के बारे में आप जान लोगे, बस सवाल उन्हीं में से आएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटी फर्टिलिटी ड्रग की बात कर रहा है भाई, बताओ जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही है यस बिल्कुल सही है, बार्टोरिक एसिड जो है वो भी यही है, बिल्कुल सही है, बताइएगा। कोई बात नहीं, आप ज्यादा पढ़ के आए हो, कोई बात नहीं, बस क्वेश्चंस का लेवल देखो, आप पढ़ के तो आप आए हो, आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, हो गया होगा भाई, बताओ जल्दी से। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, यस बिल्कुल सही है भूपेश, बिल्कुल सही है भूपेश, सारी ड्रग याद करके आया, यस। देखो नोरेथ्रीड्रोन, ये हमारे पास होती है ड्रग, नोरेथ्रीड्रोन, सही है ना, इसको हम बर्थ कंट्रोल ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल ड्रग, बर्थ कंट्रोल ड्रग भी बोलते हैं, एंड जनरली ये हमारे पास वोमेन्स में, प्रेगनेंसी इन द वोमेन, सही है ना, वोमेन में प्रेगनेंसी के लिए इसको यूज किया जाता है, और इसको बर्थ कंट्रोल ड्रग भी बोला जाता है, सही है। अब देखो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही है, एक और ड्रग का नाम बताया यादव ने, बिल्कुल वो भी लिख देता हूं, नोवेस्ट्रोल, नोवेस्ट्रोल, दोनों याद रखना यार, दोनों इंपॉर्टेंट है, पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, एन एन याद रख लेना, सही है ना, दोनों एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, बस इतने से इतना सा काम करोगे ना आपका काम हो जाएगा। अब देखो इस सवाल में ना आपके पास चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने, अब चारों ड्रग का आपको पता चल गया है। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी इप्रोनिजाइड, किस क्या था भाई साहब, ये बताओ ये किसके लिए यूज किया था, सर ये हमारे पास था किसके लिए, एनजाइटी या फिर स्ट्रेस के लिए, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग था ये। बस हर क्वेश्चन में हर ड्रग पे हम नाम पे फोकस करते हुए चलेंगे। अभी लिखा था हमने फिलेंजीन, ये भी क्या था भाई साहब, सर ये भी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहा था, कम कर रहा था, कर लोगे, सॉरी नहीं, फिनेलिजीन, ये भी इसी में आएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है भाई,
ये बच गए बस, बिथाइनोल। बिथाइनोल ये हमारे पास होता है एंटीबैक्टीरियल, 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 क्योंकि पेपर वाला जब क्वेश्चन बनाएगा ना इन्हीं को ऊपर नीचे उठा के पूछेगा। चारों का नाम लिख लीजिएगा। यस यस यस, ये भी ट्रांसकुलाइजर ही है, सही है ना, ये दोनों ट्रांसकुलाइजर ही है, सही है, या फिर बोलो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, सही है। दूसरा नोर्थ्रीड्रोन और नोवेस्ट्रोल, दोनों क्या है यार, हमारे पास एंटी फर्टिलिटी ड्रग, टू चेक द प्रेगनेंसी इन वोमेन, इनको हम बर्थ कंट्रोल ड्रग भी बोलते हैं। क्लियर है, बस इतनी इतनी बात आप याद रखो, चलिएगा। चलो आगे मूव करते हैं, आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो यार ध्यान से सुनना, समझना, देखो देखो ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एंटीबायोटिक की कैटेगरी बताई थी ना, एंटीबायोटिक में हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी ना यार, एक तो सर बैक्टीरियल और दूसरा हमारे पास था बैक्टीरियल स्टैटिक, दोनों हमने पढ़े थे। अब आपसे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो यार जो पेंसिला जी होता है ना, पेंसिलिन जी, इसका जो स्पेक्ट्रम होता है ना ये हमारा नैरो होता है, नैरो 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 नैरो। बाकी ये जितनी भी ड्रग लिखी हुई है इनका जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमारा होता है ब्रॉड, सही है। तो नोट कर लीजिएगा यार, क्लोरोएम्फिनिकोल दे दिया, अमोक्सिलिन दे दिया, एम्पीसिलिन दे दिया, ये सब के सब क्या होंगे, ब्रॉड। लेकिन हमारे पास ये जो पेंसिला जी है ना, इसका जो स्पेक्ट्रम होगा, दो बार आ चुका है ये सवाल, दो बार आ चुका है, हाँ, एक या नैरो में, यस यस यस, डी पेंसिला जी, सही है। और ये जो क्वेश्चंस आज करवा रहा हूँ ना, ये सारे पेपर के आ गए, सेकंड ग्रेड के भी आ गए, सब आ गए, देखते जाओ आप बस, सही है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया, आ जाओ। और अब की बार जो क्वेश्चन आएगा ना, आप चिंता मत करो, याद रखना, वीडियो के नीचे भी कमेंट करना, आज के इसी सेशन से आपका ड्रग का सवाल बन जाए अगर पेपर में आया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन इनमें से कौन होगा यार, बताओ भाई साहब। एंटी हिस्टामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एंटी हिस्टामिन। देखो यार मैं बता देता हूं, एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं यार, ये सारी की सारी एंटी एलर्जिक ड्रग होती है, एंटी एलर्जिक ड्रग। अब देखो यार एक ड्रग सब खाते हो, सही है ना, अभी सर्दी आएगी आपको जुकाम होगा, तो आप जब भी जुकाम की गोली लेने जाओगे ना तो डॉक्टर एक दवाई आपको जरूर देता है जुकाम के साथ, क्या, सिट्राजीन। क्या देता है ये ना, ये सिट्राजीन का सबने नाम सुना होगा यार। तो जनरली यहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग क्या होती है, जनरली ये हमारे पास एंटी एलर्जिक ड्रग होती है। जैसे आपको मधुमक्खी ने काट लिया, सही है, मधुमक्खी ने काट लिया ना, क्या लेते हो, ओविल की गोली लेते हो यार, मधुमक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मुंह सूज गया, क्या लेते हो, ओविल लेते हो। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास, अब देखो इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से है, यस जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यस यस, सेल्डोन दिया है, सेल्डोन, सेल्डेन, सेल्डेन का एक नाम और भी, एक ड्रग और भी लिख देता हूँ, इसको हमारे पास क्या लिख के दे सकता है, टरफेनेडीन भी दे सकता है, इसका नाम टरफेनेडीन भी होता है, सही है ना, इसका एक और नाम ये भी लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे और भी वर्ड लिखे हुए हैं, सही है ना, ये हमारे पास इक्वेनिलीन, इक्वेनिल ये जो ड्रग है ना, ये फिर से वही एनएक्साइटी के लिए दी जाती है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट का ही काम करेगा, सही है ना। आप नर्वसनेस में चले गए, डिप्रेशन में चले गए तो यही ड्रग दी जाती है। वैलियम की अगर बात की जाए, ये भाई फिर से ये हमारे पास एल्कोहल विड्रावल, एल्कोहल बॉडी से एल्कोहल को निकालने के लिए वैलियम दिया जाता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन की बात और कर लेते हैं, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है ये सब, ये सब, ये भी एंटी डिप्रेसेंट, ये भी एंटी डिप्रेसेंट। सेकेंड याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, एंटी हिस्टामिन। कर लोगे, समझे नहीं समझे यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो जिन बातों की, जिनके मैं नाम लिखवा रहा हूं प्लीज उनको जरूर याद रखना, एंटी हिस्टामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसकुलाइजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एंटीबायोटिक बायोटिक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। चलिएगा एक और, मैं जो एविल की बात हो रही थी उसकी और बता देता हूँ आपको। एविल, एविल देते हैं, मधुमक्खी ने काट ली तो उसमें हम ड्रग लेते हैं, ड्रग क्या लेते हैं, जो एविल का फॉर्मूला होता है वो लिख लीजिएगा। ये हमारे पास होता है फेनिरामीन मैलेट बोलते हैं, मैलेट, ये हमारा होता है एविल की गोली जो हम खाते हैं, सही है। मधुमक्खी ने काट लिया, ये इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका पीएच आएगा, पीएच आएगा, यहाँ पे भी पीएच आएगा, ओ CH2। आपसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा यार, ये कॉमन दवाई है जो हम लेते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, सही है ना। एविल की गोली खाते हैं, तो जब भी आपके पास क्या आएगा, या एंटी एलर्जिक ड्रग पूछ ले,
मान लो यही कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एलर्जिक ड्रग, तो याद रखिएगा यार हमारे पास उसमें क्या आ जाएगा, ये नाम भी दे सकता है, नाम अब नोट कर लीजिएगा, एंटी हिस्टामिन। ये जो ड्रग होती है सारी की सारी क्या होती है, एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। सही है, कर लोगे, चलिएगा। साइंस अकेडमी कैरेक्टर मूवी देख रहे हो, हाँ यार बहुत बहुत सारी चीजें होती है वैसे भी पढ़ाई जाती है, सही है ना। हाँ लिख के लाया हूँ, काम काम की चीज भाई, आ जाओ। बहुत सारी केमिस्ट्री है जो मतलब बिना देखे पढ़ाई हुई है, लेकिन जो काम की चीज है, जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अगर लिख के भी लिखवा दूंगा तो इसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा यार। बात तो है सवाल होने की, अब आ जाओ यार। ये सवाल बहुत बढ़िया था, क्वेश्चन नंबर और आधे तो करवाते नहीं यार, सीट दे दी थी, मुझे पता था आपको सीट मिल गई भाई, उसमें पढ़ गए ना बच्चे कर देंगे। लेकिन बात है आपका सवाल पेपर में सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए यार, सही है ना। और पता नहीं कौन सी बात आपके दिमाग में आज के सेशन से टिक जाए। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, यार ये क्वेश्चन ना बहुत जबरदस्त पूछा गया है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया था, हमने देखो ध्यान से सुनिएगा भाई, काम की बात सुनो। देखो अभी मैंने बताया था एंटीबायोटिक को हमने दो हिस्सों में बांटा, एंटीबायोटिक को हमने दो हिस्सों में बांटा बांटा था, कौन कौन से सर? पहला था हमारे पास बैक्टीरिसिडियल और दूसरा था बैक्टीरियल स्टैटिक, बैक्टीरियल स्टैटिक। अब उसने इस क्वेश्चन में जितनी भी चारों ड्रग दी है ना, ये है तो सारी एंटीबायोटिक, ध्यान रखिएगा भाई साहब, ध्यान देना समझना, ये है तो सारी एंटीबायोटिक, लेकिन आपसे पूछ रहा है भाई साहब बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, यानी कि इसमें हम जवाब वो देंगे जो हमारे पास बैक्टीरिया को खत्म कर दे, यानी कि बैक्टीरिसिडल वाला आंसर देंगे, बैक्टीरिसिडल वाला आंसर देंगे। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंटीबायोटिक तो चारों हैं यार, लेकिन ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, स्टैटिक के हैं। कर लोगे यार प्लीज कर लेना, मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों की क्लास के दोनों के एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, दोनों के एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए हैं, कर लोगे। यस यस, इराइथ्रोमाइसिन, टेट्राक्लिन और क्लोरोएम्फिनकोल, ये तीनों की तीनों किस में आएंगी, बैक्टीरियल स्टैटिक में आएंगी। ये सवाल भी आया हुआ है, थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नॉन नार्कोटिक एनालिसिस। देखो यार सुन लो ध्यान से समझना, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने यार। देखो एनालिसिस क्या होती है सर जी, ये हमारे पास होती है पेन किलर, क्या होती है पेन किलर। अब इसमें आपसे कह रहा है भाई साहब नॉन नार्कोटिक, देखो आपने देखा होगा नार्कोटिक डिपार्टमेंट, सही है ना, और देखा होगा भाई साहब हीरोइन की, हीरोइन नहीं हीरोइन की तस्करी करते हुए पकड़े गए, नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने छापा मारा, सही है। तो देखो कुछ नशा ऐसा होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनको हम ले लेते हैं और बस चले गए भाई साहब, हैं एक दूसरी स्टेट में चले गए, कोई थप्पड़ मार रहा है तो भी हमें नहीं पता चलता। तो एक्चुअली क्या होता है, जो दो तरीके के हमारे पास यहाँ पे ड्रग होती है, एक हमारे पास होता है नॉन नार्कोटिक और एक होता है नार्कोटिक ड्रग। तो नार्कोटिक ड्रग में हमारे पास कौन कौन होता है, हीरोइन आता है, सही है, आपके पास जो कोकीन होता है वो भी उसी में आता है, सही है, याद रखिएगा। अब इनमें देखो, इनमें हमसे पूछ रहा है नॉन होता है पैरासीटामोल, नॉन क्या होता है पैरासीटामोल, दर्द में सब जाएंगे मेडिकल स्टोर पे जाके तुरंत टैबलेट ले लेंगे पैरासीटामोल, कोई छप्पा नहीं पड़ेगा पैरासीटामोल पे, समझा नहीं समझे बोलो। लेकिन ये जो नाम लिखे हुए हैं ना आपके पास, मॉर्फिन हो गया और आपके पास हीरोइन से याद लेना, हीरोइन हो गया, कोडरीन को यार इसका नाम ठीक करना ना, कोडेनिन होता है कोडेनिन, सही है ना। इन सब में ये हमारे पास क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग होती है, ये नार्कोटिक ड्रग होती है। लेकिन पैरासीटामोल हो गया हमारे पास, और पैरासीटामोल के अगर अलावा और नाम लिखवाऊं एस्पायरिन हो गया, सही, लेकिन यार एस्पायरिन की एक लिमिटेशन है, वो हमारे पास लीवर को अफेक्ट करती है ना, ध्यान रखिएगा। एस्पायरिन की जो कमी है, ज्यादातर क्या लेते हैं हम, पैरासीटामोल लेते हैं, एस्पायरिन जो है वो लीवर को अफेक्ट करती है, इसलिए हम पैरासीटामोल खा के ही काम चला लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन किससे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ड्रग में देखो कौन कौन से सर, एक तो हमारे पास कौन सा हो गया नॉन नार्कोटिक, और एक हमारा हो गया नार्कोटिक ड्रग, ये दोनों क्लास अलग से, दोनों के पास एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, दोनों के आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ यार, ये तो मैंने ना आपको पढ़ाया हुआ भी है, ये आपको पढ़ाया हुआ भी है, ये आपको पढ़ाया हुआ भी है, अब आप बताओ मेरे को कहाँ पढ़ाया हुआ है, ये कहाँ पढ़ाया हुआ है, ये कहाँ पढ़ाया हुआ है, CH2 2 6 N4 इज यूज्ड एज,
बताओ भाई साहब, पढ़ाया हुआ है आपको, ये पढ़ाया हुआ है, बताओ जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ जी कहाँ पढ़ाया हुआ है, जल्दी से बता दीजिएगा, पढ़ाया कहाँ हुआ है ये बताओ। चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ आप, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये आपको पढ़ाया हुआ है। बता दो भाई साहब, नहीं, यस यूरो ट्रॉफी ने एनएमआर में पढ़ाया था, यस नित्य यादव ने कमेंट कर दिया सर एनएमआर में पढ़ाया था, यस। यार एडमेंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान दीजिएगा, देखो समझना एक बार, एडमेंटेन जैसा स्ट्रक्चर होता है और एडमेंटेन का स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्रीजिंग पोजिशन पे आप क्या लगा दोगे सर, यहाँ पे हम लगा देंगे नाइट्रोजन, याद होगा आपको यार चार नाइट्रोजन होते हैं। देखो जो चीज आपने पढ़ी हुई है उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, चार नाइट्रोजन होते हैं हमारे पास, ये यहां पे एक नाइट्रोजन आ जाएगा, ये हमारे पास ब्रीजिंग पोजीशन हो गई, यहां से इसको जोड़ दो, ये होता है यूरोट्रोफीन, यूरोट्रोपीन सही है ना यार। ये देखो ये किसका काम करता है एक्चुअली, अगर हम बात करें ध्यान से समझिएगा, वैसे ये आंसर दिया है बता देता हूं मैं यार, सही है, ये एज ए एंटीसेप्टिक का ही काम करता है जनरली यूरिन इन्फेक्शन में, यूरिन इन्फेक्शन में काम करता है भाई साहब, यूरिन इन्फेक्शन में ये काम करता है, सही है ना, एज ए एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, सही है। यूरेटिक ये वैसे ही लिखा हुआ है, एंटीसेप्टिक का काम करता है ड्यूरिंग यूरिन इन्फेक्शन, सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सल्फा ड्रग आर ड्राइव्ड ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ सल्फा ड्रग, यार वेरी इंपॉर्टेंट, सेट 2012, देखो सारे क्वेश्चन आ गए, इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होगा, सल्फा ड्रग के बारे में बता दो जल्दी से बताओ भाई साहब, सल्फा ड्रग जो है बताइएगा भाई साहब, सल्फा ड्रग आर डेरिवेटिव ऑफ, सल्फा ड्रग किसके डेरिवेटिव है यार, देखो ध्यान से सुनिएगा, समझना एक बात और समझना, देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी हमने दो बातें पढ़ी सल्फा ड्रग से रिलेटेड, एक खास बात और है वो और मैं आपको लिखवा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आपसे पूछने लायक सवाल है, यस आ जाओ अब सल्फा ड्रग की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस ऑप्शन डी आएगा सल्फामाइड, यस यस। देखो इसका फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे ना, देखिएगा ये हमारे पास होता है, यहाँ पे NH2 लगा दो, ये हमारे पास होता है, इसके डेरिवेटिव की ये ड्रग होती है SO2NH2, ये होता है हमारे पास सल्फा नील अमाइड, ये होता है सही, एनिलीन में SO2NH2 पैरा पोजिशन पे। और खास बात क्या की थी, ये जो ड्रग, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं सल्फा सल्फा ड्रग की, एंटी बैक्टीरियल ड्रग होती है भाई, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, सल्फामाइड क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, कर लोगे अगर आपसे फिर से पूछा जाए सल्फा ड्रग जो है वो हमारे पास क्या थे, तो ये बात भी आप पक्का है याद रख लेना। और इसमें अगर हम बात करें, देखो ये 1935 में आई थी, सही है, जो हमारी पेंसिलिन आई, पेंसिलिन, पेंसिलिन ये हमारी आई थी 1939 में, 1939 में, सही है। एक सवाल और पूछा गया है यहां से, एक सवाल और पूछा गया है वो अभी आ जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा, 1935, 1939। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन आया था सेट 2012 में, द ड्रग डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, इनमें से कौन सी ड्रग है जो वर्ल्ड वार सेकंड में डिस्कवर हुई थी भाई साहब, अब मेरे को आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे भाई, वर्ल्ड वार सेकंड आपको पता होना चाहिए कब से कब था, बताओ जल्दी से बताओ भाई कब से कब था,
कब से कब? भूपेश टाइम तो बता भाई, कब से कब, कितने साल चला था? पेपर फर्स्ट में भी आएगा सवाल। यस यस संजू बिल्कुल सही है, 1939 से लेके 1945। तो यार 1939 में हमारे पास एंटी बैक्टीरियल ड्रग आ गई, अभी लिखा हमने, ऑप्शन देखो पिछले वाले में लिखा ना हमने, ये रहा पेंसिलिन हमारे पास आ गई थी 1939 में। तो यहां पे ऑप्शन चूज करोगे तो कौन सा आंसर सही होगा बताइएगा। अब यार सल्फा ड्रग 1935 में आ गई थी नित्या जी, सल्फा ड्रग 1935 में आ गई थी, आप जवाब क्या दोगे? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, क्योंकि पेंसिलिन हमारे पास पहली एंटीबायोटिक ड्रग आई थी जो सबसे असरदार थी। समझे या नहीं समझे, कर लोगे? बोलो जी। सही है सल्फा ड्रग, तभी तो बताया ना यार, सवाल पूछ लेगा यार, एसेट के पेपर में आया था ये, 1935 में आई थी। सही है ना, पेंसिलिन हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ही आई थी। सही है ना, चलिएगा, बहुत बढ़िया, साइंस एकेडमी कह रहे हैं। हाँ आप सबसे आगे हो सर, आओ। क्वेश्चन नंबर 15, टिक मार्क द टेट्रासिलीन एंटीबायोटिक। देखो थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, आपसे कह रहा है टिक मार्क द टेट्रासिलीन एंटीबायोटिक। अब देखो टेट्रासिलीन एंटीबायोटिक तो है, कौन सी कैटेगरी की है, कौन सी कैटेगरी की है बताओ जल्दी से भाई साहब। टेट्रासाइलिन कौन सी कैटेगरी की है? सर जी बैक्टीरियल स्टैटिक की है, बैक्टीरियल स्टैटिक की है। सही है, अब देखो बैक्टीरियल स्टैटिक में हमारे पास ये बनेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, इसी कैटेगरी की टेट्रासिलीन जो है ना, इसी कैटेगरी की ड्रग होती है ओयरोमाइसिन, 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 DDD, ओयरोमाइसिन, इसी कैटेगरी की ड्रग होती है ओयरोमाइसिन। सही है, कर लोगे? इन्हीं में से आपका कोई क्वेश्चन बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एड्स के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं भाई साहब बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है डेप्सोन, दूसरा है जिडवोडीन, सॉरी बी है हमारे पास एसाइल लवर, एसाइल लवर, और नंबर डी पे है नेप्रोक्सीन। लो भाई साहब हमें डॉक्टर बनना नहीं है, बस हमारा पेपर में 4 नंबर हमें मिल जाए बस बस, और इतना करोगे काम तो आपका हो जाएगा। बता दीजिएगा भाई साहब, एंटी सैट 2013-14 में पूछा गया था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सुनो ध्यान से, देखो भाई, हाँ अब सुन लो ध्यान से, देखो कोई बात नहीं, एक एक का नाम देखो लिखना। जो डेप्सोन होता है ना, डेप्सोन ये जो जनरली होती है, ये हमारे पास इसको हम स्किन पे यूज करते हैं। सही है, ये होता है एंटी एंटी बैक्टीरियल भी बोल सकते हो, एंटी इन्फ्लामेंट्री, एंटी इन्फ्लामेंट्री। सही है ना, कई बार स्क्रीन जलने लग जाती है, सही है, धूप का इफेक्ट हो गया, सही है, तो हम ड्रग यूज करते हैं डेप्सोन। दूसरा हमारे पास है एसआई लवर, एसआई लवर ड्रग, इसकी अगर बात की जाए भाई साहब नाम भी इनके बढ़िया बढ़िया है, ये एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल, एंटीवायरल। सही है, नंबर तीन पे है जिडोडीन, जिडोडीन जो है भाई ये हमारे पास एचआईवी ड्रग है। सही है ना, एड्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। नंबर चार पे है नेप्रोक्सीन, ये भी हमारे पास एंटी इन्फ्लामेंट्री है। तो चारों के नाम याद रख लेना यार, सही है ना, और ये भी यार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं, क्योंकि राजस्थान में पहले सेट का एग्जाम होता तो हटा दिया, उसी के क्वेश्चन है ये। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन देखो, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक। यार अब ये सवाल होना चाहिए यार, अब ये सवाल होना चाहिए बच्चों, अभी होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक पूछ रहा है आरपीएससी हेडमास्टर 2018 में पूछा, बताओ भाई साहब व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अभी बताया था यार, यस 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 टेट्रासाइलिन, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यार जो आरपीएससी का सवाल उठा के किस में पूछ लिया, हेडमास्टर में पूछ लिया। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, नॉन नैरोकोटिक, देखो यार ये सवाल आपका किसका है, आरपीएससी का, पूछा किसने, हेडमास्टर के पेपर में पूछ लिया, तो क्वेश्चन आरपीएससी के आपके रिपीट होते हैं यार, बताओ भाई साहब कौन होगा, नॉन नार्कोटिक एनालिसिस पूछ रहा है आपसे भाई, बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, नॉन नार्कोटिक एनालिसिस कर लोगे? हाँ पैरासीटामोल, रिपीट यार, ये तीनों की तीनों क्या थी, नार्कोटिक। तो देखो आप पेपर में सवाल आएगा ना यार, देखो ध्यान से सुनो,
चारों टर्म, पहली वाली आपको पता चल गया एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, सही है, एनाल्जेसिक, चार वो टर्म हो गई, सही है। एक हमारे पास बायोटिक में, सर जी एंटीबायोटिक में दो प्रकार की आ गई, एक बैक्टीरिसाइडल और दूसरी बैक्टीरियल स्टैटिक, बस ऐसे हमें याद रखना है। एक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट हमने पढ़ लिया, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, बस आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक। अगला क्वेश्चन भाई साहब, आरपीएससी स्कूल टीचर ग्रेड सेकंड, सेकंड ग्रेड में आया, बताओ भाई साहब इनमें से नॉन बैक्टीरियल कौन सा है, नॉन बैक्टीरियल स्टैटिक बता दो यार, पढ़ा था हमने यार। एंटीबायोटिक इज नॉट बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है यार, पेंसिलीन यार, पेंसिलीन क्या था सर, ये तो मार देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सीडल था ये, बोलो यार, समझा नहीं समझे, कर लोगे, समझ आया नहीं आया, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बस इतना ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर से आ गया, बताओ भाई साहब, देखो सवाल का पूछा, लो जी सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में आ गया, सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा होगा आपने, बता दो, अभी पढ़ा था हमने सर जी, नॉर्थ्री ड्रोन, ये हमारे पास क्या था बताओ जल्दी से, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, या फिर हमसे कहते भाई साहब बर्थ कंट्रोल ड्रग, बोलो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा, ए ए ए कर लोगे। दूसरा यार एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड क्या होते हैं यार, जनरली हमारे पास क्या होता है, बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटा एसिड लेते हैं, और एंटा एसिड में जनरली हम वीक बेस लेते हैं, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, सही है, वो हम यूज करते हैं एज ए एंटा एसिड, कर लोगे। एक ड्रग का नाम और भी बताया था यार, क्या होती है सर एक और, नोवेस्ट्रोल, अब नाम भी याद रख लो यार थोड़ा थोड़ा, समझा नहीं समझे, कर लोगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, देखो यार, देखो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था, फर्स्ट ग्रेड का सवाल सेकंड ग्रेड में आ गया, तो मैं कह रहा हूं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यू करवाए हैं ना यार, सब करवाए, लगभग मैक्सिमम हर टॉपिक के हमने कवर कर लिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी अब हम कर लेंगे, और फिर एक साथ सबको रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत सारे होंगे। तो मैं कह रहा हूं आपसे लैब असिस्टेंट के पेपर, आरयूएमएससी एंट्रेंस के पेपर, फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज लेक्चरर, या फिर पीजीटी लेवल के किसी भी स्टेट के एग्जाम, ये अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए, आपके 110 सवाल तो वहीं से आएंगे डायरेक्ट, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, यस यस बिल्कुल सही है, ए ए ए कर लोगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई साहब, बताओ जल्दी से, हरियाणा पीजीटी 2019 में आया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बताओ, बताओ भाई साहब फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए हैं भाई, और आपको मैं बता चुका हूं भाई, यस 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 इप्रोनाइज्ड, ए ऑप्शन होगा यार, बोलो, समझा नहीं समझे, यस ए विल बी द करेक्ट आंसर, कर लोगे। अब देखो इसमें दो तीन नाम और नए आए हैं, इनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, आ जाओ भाई साहब। ये है ना आपके डिम टैप जो है, ये अमेरिका का फेमस ब्रांड है, किसके लिए, जुखाम के लिए, सही है ना, तो ये अलर्जेटिक ड्रग है, एंटी अलर्जेटिक, एंटी अलर्जिक, एंटी अलर्जिक बोल सकते हैं, एंटी अलर्जिक ड्रग, सही है ना, डाइमेटैप याद रखिएगा, सही है, यानी कि किसमें यूज किया जाता है, कोल्ड और एलर्जी में यूज किया जाता है, कोल्ड और एनर्जी में, एलर्जी में। दूसरा है टेट्राफेंडीन, ये हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था भाई साहब, याद करो, टर्फेंडीन किसमें यूज होता है, नाम भी लिखवाया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से याद करके बताओ, आज की क्लास में नाम आया इसका, बी 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 क्या होता है, बी बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, बी बी किसमें यूज किया था, बी के बारे में बताओ जल्दी से भाई साहब, बी के बारे में बताओ, बी के बारे में, बी के बारे में, अरे एंटी हिस्टाडी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन होता है यार, बताया था ना थोड़ी देर पहले, यस 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 बिल्कुल सही है, सुरभि, सेल्डोन, सेल्डोन, यस बिल्कुल सही है, सेल्डोन। लास्ट बच गया सिमेट्रिडीन, ये जो हमारे पास है ये एंटा एसिड है भाई, ये एंटा एसिड है, एंटा एसिड है, एंटा एसिड, सही है ना, स्टोमेक में ज्यादा एसिड हो गई तो उसके लिए यूज करते हैं, जनरली स्टोमेक में अल्सर हो गए उनके लिए यूज किया जाता है ना, स्टोमेक अल्सर एंटा एसिड होता है, कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार,
क्वेश्चन नंबर 23, द वीक एंटीसेप्टिक फॉर आईज, आरपीएससी केमिस्ट 2014, पहली क्लास में बताया था, पहली पहले वाली स्लाइड में बताया था। बताओ भाई साहब क्या होता है वीक एंटीसेप्टिक, जिसको हम आंखों के लिए यूज करते हैं, आंखों को साफ करने के लिए। जिनके चश्मा लगा होगा यार वो तो पक्का डेफिनेटली बताओ भाई साहब, बताओ बताओ। हाँ उपेश जी फास्ट ही हो रहा है, और शक्तिमान तो बना नहीं जाएगा भाई साहब, शक्तिमान तो बना नहीं जाएगा। आ जाओ, यस यस, बोरिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड हम यूज करते हैं, सही है ना। दूसरा यहाँ पे देखो आइडोफॉर्म हमने यूज किया यार, एंटीसेप्टिक होता है ये भी। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है यार, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है, इसमें कुछ हम पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है उसको लिया जाता है एल्कोहल प्लस वाटर में, एल्कोहल प्लस वाटर में, ये होता है टिंक्चर ऑफ आयोडाइड, टिंक्चर ऑफ आयोडाइड, यस यस यस। ये हमारे पास ये किसके लिए यूज किया जाता है यार, ये जो घाव है, जो जख्म हो गया, चोट लग गई, उसको साफ करने के लिए, क्लीन वाउंड्स, क्लीन वाउंड्स के लिए इसको यूज करते हैं, सही है। आइडोफॉर्म ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, आइडोफॉर्म हमने पढ़ लिया था, सही है। अब यार एक और आ गया, क्लोरीन, क्लोरीन किस लिए यूज किया जाता है यार, क्लोरीन की अगर बात करें ना, जैसे जो हमारा पानी जो पीते हैं ना, ये एज ए पानी में हमारे पास ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्लोरिनेटेड वाटर फिर हम पीते हैं, सही है, पानी का क्लोरिनेशन कर देते हैं, तो ये क्या करता है, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर का काम करता है, यानी कि जो हमारे पास पानी में जो बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं है कि पानी में जो हमें जो चीज हमें पानी से मिलते हैं, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं उनको खत्म करता है, नहीं, बैक्टीरिया को खत्म करता है, सही है। चलिएगा कर लोगे, यस यस बिल्कुल सही है, यस यस डिसइंफेक्टेंट में काम करता है क्लोरीन। चलिएगा सारी बातें हो गई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, द एंटीबायोटिक हैविंग बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। बताओ यार कितनी बार क्वेश्चन पूछा आरपीएससी, फिर से जूनियर केमिस्ट 2014, बताओ भाई। यस वाटर प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल सही है संजू। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 किसमें यूज किया जाता है, फटाफट बता दीजिएगा, हो चुका है यार पेंसिलीन, देखो अब नाम ही लिख के दे दिया बैक्टीरिसाइडल, तो मैं कह रहा हूं यार याद रखिएगा, बायोटिक में एंटीबायोटिक ड्रग में दोनों नाम याद रखिएगा यार, बैक्टीरियल सीडल और दूसरा हमारे पास दैट इज बैक्टीरियल स्टैटिक, दोनों के एग्जांपल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यार ये देखो देखो कितनी बार ये सवाल पूछ लिया, एक छोटी सी बात, कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया यार। बताओ याद रखना यार, नैरो स्पेक्ट्रम किसका होता है, पेंसिलीन का, पेंसिलीन पेंसिलीन पेंसिलीन। 25 आइएगा, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए ड्रग दैट हैज द, ये बायोलॉजी वाले बच्चे बता देंगे भाई साहब क्या होगा, बताओ बायोलॉजी वाले बताओ, मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी से हैं, बता दीजिएगा यार, जो बायोलॉजी से, लगभग सारे बच्चे बायोलॉजी से हैं यार, बताइएगा इस सवाल का क्या जवाब होगा। आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल डिपार्टमेंट में पूछा, 2020 में आया हुआ सवाल है भाई साहब, ये चार टर्म यहां पे लिखी हुई है, एक पास एंटागोनिस्ट, एक है एगोनिस्ट, तीसरा है पार्शियल एंटागोनिस्ट, नंबर 4 पे है इनवर्स एगोनिस्ट, बताओ भाई साहब क्या आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यार, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विनोद भाई साहब बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो यार ध्यान से सुनना, समझना एक बार, बिल्कुल जिन्होंने जिन्होंने जवाब दिया है, चलेगा, मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी से हैं यार, सही है, चलो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एक बार सुन लो बस, मैं बस काम की बात लिखवा देता हूँ इन चारों के लिए, जिससे सवाल आपका पूछा जा सकता है और हमें जाना नहीं पड़ना। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए ड्रग दैट हैज द सेम इफेक्ट ऑन रिसेप्टर एज द एंडोजीनियस केमिकल मैसेंजर। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है एंडोजीनियस केमिकल मैसेंजर, कह रहा है जो एंडोजीनियस केमिकल मैसेंजर जो काम करता है ना, वही हमारे पास जो काम है वो ड्रग है, वो किस पे जाके करेगी, वही इफेक्ट होगा रिसेप्टर के ऊपर। तो देखो ऐसे हमारे पास ऐसे जो भी हम ड्रग यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, क्या बोलते हैं एगोनिस्ट। अब पेपर में क्या करेगा यार, आपसे एगोनिस्ट के एग्जाम्पल पूछ लेगा, भाई एगोनिस्ट के एग्जाम्पल बताओ, सही है ना, एग्जाम्पल के रूप में दे दे, तो भाई एगोनिस्ट के एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, इसमें कौन कौन आता है आपके पास, नार्कोटिक ड्रग हीरोइन, हीरोइन ये भी आता है,
उसके अलावा इसमें मोरफिन मोरफिन आता है, सही है ना। पेपर में अगर सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि पहले पूछ चुका है। एक होता है आपका ओपियम, ये सारे नाम लिख लीजिएगा भाई साहब, अगर आपने पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया। एक होता है हमारे पास मीथाडोन, मीथाडोन, लो भाई डोन भी आ गया, हीरोइन भी आ गई, मोरफिन भी आ गया, विलियन ओपियम भी आ गया, लो नाम याद रख लेना इनका। एक होता है ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकोडोन। अब मैं फालतू में नहीं लिखवा रहा, इसलिए लिखवा रहा हूं क्या पता इनमें से पूछ ले भाई साहब, इनमें से बताओ, सवाल यही दे दे एगोनिस्ट में से कौन सा है, तो ये नाम लिख लीजिएगा। एंटागोनिस्ट क्या होता है भाई साहब, एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट इससे मतलब ये जो काम कर रहा था, सही है ना। एंटागोनिस्ट में क्या होता है, एंटागोनिस्ट की अगर बात की जाए तो ये रिसेप्टर जो ड्रग होगी, ध्यान दीजिएगा, रिसेप्टर पे तो अफेक्ट होगा लेकिन इसका इफेक्ट यहां जो हुआ है ना, सॉरी रिसेप्टर पे इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा, जो आपके पास मैसेंजर जो अफेक्ट कर रहा था वो एंटागोनिस्ट ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये भी लिख लीजिएगा, क्या पता यार पेपर में हमसे यही पूछ ले, सही है ना। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल है, इसके ज्यादा नहीं है, नाम भी इनके खतरनाक खतरनाक है, कोई बात नहीं, बस हमें तो देखना है पेपर में, ऑप्शन कट जाएगा यार आराम से। आज के सेशन की जितनी बातें हैं इतनी आप याद रख, सवाल इनमें से बन जाएगा। ये दो है, एक आपके पास नाल्टो रोग जोन, एक आपके पास नालोग जोन, दो है। एक है पार्शियल एंटागोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट का भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा भाई साहब। पार्शियल में हमारे पास कौन आता है, इसमें एक ही आता है बस, दैट इज ब्यूप्रीन नोरफीन, ब्यूप्रीन ब्यूप्रीन नोरफीन, नोरफीन NORPHIN, नोरफीन, सही है ना यार, ये लिख लीजिएगा। एक इनवर्स एगोनिस्ट आ जाए, इनवर्स जो इससे काम अपोजिट करेगा, यानी कि जो यहां इसने रिसेप्टर पे जो काम किया उससे अपोजिट करेगी ये ड्रग काम। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कह दे भाई हिस्टामीन, हिस्टामीन जो है हमारे पास ये किस तरीके का काम करेगा, हिस्टामीन पेपर में यही सवाल पूछ ले आपसे, हिस्टामीन क्या है, और ये चार ऑप्शन दे दे, समझा नहीं समझे, यहां पे कह दे हीरोइन दे दे, इनमें से बताओ क्या है, तो फिर सवाल यार आसान ही है, सही है ना। और जब यहां पूछ चुका है तो क्या पता हमारे वाले पेपर में आ जाए, बात हमारी बस हमारा सवाल सही होना चाहिए। एक होता है गाबा, गाबा गाबा ऑस्ट्रेलिया में है, गाबा गाबा ए, ये भी इनवर्स एगोनिस्ट होता है। एक और होता है हमारे पास मेलनो कोरोटीन, देखो नाम यार थोड़े से खतरनाक है, सही है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो मे बी आपको थोड़े से याद हो जाए, आसान होंगे, मेलनो कोरोटीन, मेलनो कोरोटीन, ये हमारे पास नाम है यार, सही है ना। तो क्वेश्चंस हमारे पास कोई ज्यादा मुश्किल नहीं बनेगा, चारों टर्म लिख लेना, एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट पार्शियल एंटागोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट, कम से कम एक एक नाम तो याद रख लेना यार, सही है। पेपर में ये फेवरेट क्वेश्चन है, सही है ना, आपसे ये कह देगा भाई हिस्टामिन बताओ क्या है, ये चार ऑप्शन आपके सामने दे देगा, बस चलिएगा। अच्छा पार्शियल की, पार्शियल 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 की स्पेलिंग मैं फिर से लिख देता हूं भाई, फिर से लिख देता हूं, लो जी पार्शियल, पार्शियल का नाम लो जी यहां लिख देता हूं, ये हमारे पास है, इनके नाम भी भाई साहब प्रीनोल, मैंने तो जीवन में पहली बार ही आज आज ड्रग पढ़ा है, वो भी आपके लिए, कि भाई साहब क्या पता आसान सा सवाल बन जाए और आपका काम हो जाए, सही है, ये होगा भाई बुप्रीनोफिन, बुप्रीनोफिन, कर लोगे, सही है। और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो भी हैं ड्रग्स के आए हुए हैं, तो बस यार फिर इससे काम क्या होगा, थोड़ा बाइनऑर्गेनिक वाला और बता दूंगा, सही है, बाइनऑर्गेनिक वाले और पढ़ लेंगे हम जो वहां पढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, पैरासीटामोलीज, यार अब बता दो यार इसमें तो क्या है करना, पंजाब पीजीटी में देखो वही सवाल आया आपके पास, पैरासीटामोल क्या होगा यार, एंटीपायरेटिक, लोअर द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम कर देते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से सवाल आ गया, बताओ भाई सिप्रो, ये कब आया, पंजाब पीजीटी में, पीजीटी के सवाल पीजीटी में रिपीट होंगे। सिप्रोफ्लोक्सीन अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले यार, क्या होता है, एंटीबायोटिक ड्रग होता है यार, एंटीबायोटिक होता है, क्वेश्चन नंबर 29, ड्रग विच इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एन एंग्जाइटी, बताओ यार, अब बताओ ये मुश्किल है क्या यार, बताओ यही सवाल हमसे किसमें पूछा गया, पंजाब पीजीटी, देखो पंजाब पीजीटी भी आ गया, आरपीएससी आ गया, हेडमास्टर आ गया, सेकंड ग्रेड आ गया, फर्स्ट ग्रेड आ गया, सेट आ गया, कंपटीशन
कर लोगे? इसका जवाब और दे दो भाई साहब। यस सर, ट्रांसक्विलाइजर। अब ट्रांसक्विलाइजर ड्रग्स जो थी यार, उनका आपको नाम पता होना चाहिए। अब देखो, एंटी हिस्टामिन हमने पढ़ लिया, एंटी एलर्जिक एजेंट होते हैं। एंटा एसिड हमने पढ़ लिया, एंटा एसिड का एक एग्जाम्पल भी थोड़ी देर पहले लिखा था। इसमें टोसिल लिखा हुआ है, इसको लो भाई साहब। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है ना यार, इस ये और लिख लीजिए ना, प्रोनटोसिल। ये क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एंटी बैक्टीरियल ड्रग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ भाई, एमपी एमपी सेट में सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक पूछ रहा है साहब, बैक्टीरियोस्टैटिक। देखो यार, इससे तो प्यार हो गया सब एग्जामिनर को। कितनी बार ये सवाल पूछ लिया है यार, कितनी बार ये सवाल पूछ लिया है। टेट्रा साइलीन, और ये सब क्या है? पेंसिलीन, फ्लोरोक्विनोलोन। देखो यार, ये बहुत चली थी, ये वाली ड्रग बहुत चली थी यार, याद करो। ये हमारे पास जब थ्रोट यानी गले में दिक्कत हो जाती, जुकाम खांसी हो गया, ये ड्रग बहुत ली थी हमने कोरोना में, सही है ना। पेनिसिलिन और अमीनोग्लाइकोसाइड, ये सब सब हमारे पास क्या होता है? बैक्टीरिसाइडल होते हैं। लेकिन टेट्रा साइक्लिन, ये हमारे पास क्या होता है? अब देखो, कुछ बातें तो आपके, कुछ सवाल तो बहुत ज्यादा पूछे गए बार बार, तो वो तो हो ही जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आ जाओ यार, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात, पहला कह रहा है क्लोरोप्रोपामाइड। आ जाओ, देखो यार, यहाँ इस तरफ देखो, एंटी कैंसर ड्रग दिया हुआ है, एंटीबायोटिक ड्रग दिया हुआ है, एनाल्जेसिक दिया हुआ है, और एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो हमारे पास ये हमने पढ़ा था फिनैक्टीन। फिनैक्टीन क्या करता है सर? ये बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। फिनैक्टीन पढ़ा था ना हमने, अरे पैरासीटामोल ले लो, एस्पायरीन ले लो, या फिर फिनैक्टीन ले लो, लिखा था हमने। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द बॉडी पेन, यानी कि ये तो हो गया एनाल्जेसिक्स बन गया भाई, यानी कि जो एल है वो गया किस पे? फोर्थ पे। एल गया फोर्थ पे, एल गया फोर्थ पे। एक ही ऑप्शन है भाई साहब, देखो देखो देखो, पेपर में एक ही ऑप्शन है यार। मैं कह रहा हूं मैच द फॉलोइंग, सवाल आ भी जाए ना, तो उसने ड्रग ये देखो यार कितनी लिख दिया, अलग अलग नाम लिख दिए। लेकिन कम से कम मैं कह रहा हूं, जो आप पढ़ के जाओगे ना, उससे आपका सवाल हो जाएगा। बोलो, कर लोगे? ये जो ड्रग ली जाती है ना यार, पहली वाली, दैट इज क्लो, ये ली जाती है ब्लड शुगर में, हाई ब्लड शुगर में, हाई ब्लड शुगर में। और उस ड्रग को हम फिर क्या बोलेंगे यार? एंटीबायोटिक ही बोलेंगे। ये दो पे जाएगा, के टू पे गया, सही है। उसके बाद जो मेलफेलैन है ना यार, ये हमारे पास होती है एंटी कैंसर, एंटी कैंसर। और देखो ये जो है ना, अब देखो एक नई टर्म आई है यार, देखो नई टर्म आई है, दैट इज एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग। यार ये हमारे पास, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया एकदम, बीपी हाई हो गया भाई, तो फिर ड्रग लेते हैं हम क्या, ये क्या बोलते हैं, वीरापमील। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट देते हैं, सही है ना। तो मैं कह रहा हूँ पेपर में अगर कोई सवाल आ भी गया मैच द फॉलोइंग का, तो आप अच्छे से कर लोगे यार। फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाए हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन आए थे यार वो हमने कर लिए, सही है ना। इसमें हम कैल्शियम चैनल यूज करते हैं, कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। किसमें? जो हमारे पास एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग जो है, सही है, चलिएगा। तो देखो यार, ओवरऑल अगर टोटल आपके सिलेबस की बात की जाए ना, जितना आपने पढ़ा है, सही है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? पहला जो फेज था वो चार हमने क्लासिफिकेशन की, उनको अच्छे से करना है। एक एंटीबायोटिक के दो क्लासिफिकेशन किए, उसको अच्छे से करना है। और एक नारकोटिक नॉन नारकोटिक ड्रग, उसको अच्छे से करना है। एक एंड हमारे पास क्या बोलते हैं, हमने जो बर्थ कंट्रोल में हम जो ड्रग यूज करते हैं उसका याद रखना है, सही है। उसके अलावा देखो देखो, उसके अलावा आ जाओ, एंटी कैंसर एजेंट की बात की जाए, एंटी कैंसर एजेंट। अब देखो कुछ बातें और देखो जो छोटी छोटी है। एंटी कैंसर एजेंट में हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं यार? या आप बाइन ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, सिस प्लेटिन लेते हैं, सिस प्लेटिन। प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, सिस प्लेटिन सबने पढ़ा भी होगा। प्लेटिनम भाई साहब, दो क्लोरीन लगे होंगे, दो अमोनिया लगे होंगे, ये होता है सिस प्लेटिन। एक और होता है एंटी कैंसर एजेंट, दैट इज कार्बोप्लेटिन। ये दोनों हमारे पास एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, सही है।
दूसरा, अगर हमारे पास बीमारी हो जाती है अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस में बच्चों हम लेते हैं, क्या लेते हैं अर्थराइटिस में? अर्थराइटिस में लिया जाता है हमारे पास गोल्ड का साल्ट, गोल्ड का साल्ट। अब ये कुछ छोटे छोटे सवाल है जहां से मेटल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा आता है आपके पास विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज होती है, ये हमारे पास बॉडी में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है उसकी वजह से होती है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में जो ड्रग हम लेते हैं वो हमारे पास होता है दैट इज ईडीटीए, चिलेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं ईडीटीए, सही है, या फिर हम यूज करते हैं डी पेंसिलामीन, डी पेंसिलामीन, डी पेंसिलामीन, ये हम यूज करते हैं विल्सन डिजीज, सही है। तो याद रखिएगा यार, ये बाइन ऑर्गेनिक से तीनों सवाल नेट में भी आए हुए हैं, सही है ना, तो क्या पता इनसे पूछ ले। अर्थराइटिस एजेंट पूछ ले आपसे तो गोल्ड का साल्ट लेंगे, एंटी कैंसर एजेंट प्लेटिनम आ जाएगा, सिस प्लेटिन और कार्बोप्लेटिन। विल्सन डिजीज किस वजह से होती है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ कॉपर, इसमें हम क्या खाते हैं? ईडीटीए लेते हैं और डी पेंसिलामीन लेते हैं। कर लोगे? बोलो भाई, चलिएगा। एक और देखो भाई, और अगर मैं बात करूं, एक सवाल पूछा जाता है एमआरआई एजेंट, एमआरआई एजेंट नंबर 4 पे लिख लीजिएगा, ये हमने पढ़ा था ब्लॉग में भी सर, गैडोनियम आयन होता है Gd+3, Gd+3 ना पूछ के आपसे कह दे बताओ डी ब्लॉक का बताओ, तो फिर हमारे पास Mn+3 और Fe+3, वो भी हमारे पास एमआरआई एजेंट का काम करते हैं, सही है। एक हमारे पास पूछा जा सकता है कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट, बताइएगा कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट, बताओ भाई कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट क्या होता है? जब हमारे पास, जब हम क्या बोलते हैं जनरली इसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट का साल्ट पिलाया जाता है, सही है ना, बैरियम का साल्ट लिया जाता है एज ए कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट के रूप में। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा यार, आपसे कह दे यार एक और, हाँ गैस्ट्रिक अल्सर के लिए क्या यूज किया जाता है? गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, तो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए हम यूज करते हैं बिस्मत का साल्ट। और अगर आपसे पूछा जाए रेडियो में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, रेडियो डायग्नोस्टिक में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, रेडियो डायग्नोस्टिक में मेटल यूज किया जाता है आपका किसका? टीसी, 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 टेक्टेनियम मेटल यूज किया जाता है। यह बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, इन पे थोड़ा सा और जरूर फोकस कर दीजिए, सही है। विल्सन डिजीज, दूसरा ऐसा पूछ ले हाइपरटेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, किसका साल्ट यूज करते हैं भाई साहब? लिथियम का साल्ट यूज करते हैं, लिथियम कार्बोनेट लेते हैं ड्यूरिंग हाइपरटेंशन और डिप्रेशन। कर लोगे? सही है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, सही है। उसके अलावा जो आपका ड्रग्स से रिलेटेड जो था, अपनी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना यार, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जितने भी आपके पेपर में आए हुए हैं। आई होप आपके पेपर में जो सवाल बनेगा यार इन्हीं से आपका हो जाएगा, सही है। जो नोट्स थे उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, जो कॉमन कॉमन ड्रग है जैसे पैरासीटामोल, एस्पायरीन, ये कैसे बनते हैं, इनके फॉर्मूले यार, ये और अच्छे से एक बार कर लेना। कर लोगे? बोलो भाई जल्दी से बताओ, ड्रग्स क्लियर है? फिर कल के लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, कल के लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, बता दीजिएगा भाई साहब। कर लोगे? चलिएगा। एक बात और देखो यार, पैरासीटामोल से और आपसे पूछ ले पैरासीटामोल कैसे बनता है, तो पैरासीटामोल की फॉर्मेशन और देख लो, बिल्कुल आसान है। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ और NaNO2 के साथ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का क्या कर, दोनों बनते हैं यार, ऑर्थो भी बनता है और पैरा भी बनता है, ऑर्थो भी बनता है और, रुक जाओ इसकी प्रिपरेशन और देख लो एक बार, हालांकि आप पढ़ के आए होंगे ही, बिल्कुल सिंपल है, दो बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और एक हमारे पास क्या बन जाएगा? पैरा बन जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, सही है। तो हम क्या करते हैं, पैरा नाइट्रोफिनोल जो है इसका हम क्या करवाएंगे भाई साहब? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन किसके साथ करवाएंगे? NaBH4 के साथ करवाएंगे। ये हमारे पास बन जाता है एनिलीन बन जाएगा और पैरा पोजीशन पे हमारे पास कौन आ गया? OH ग्रुप आ गया। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये हमारे पास आएगा, फिर से OH ग्रुप की जगह हमारे पास, OH की जगह नहीं, NH की जगह, NH की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? ये तो OH ही रहेगा और इस पोजीशन के ऊपर NHC डबल बॉन्ड OCS3 ये हमारे पास बन जाएगा। यही हमारे पास क्या होता है? पैरासीटामोल। यही हमारे पास होता है पैरासीटामोल। कर लोगे? सही है।
तो मैं आपसे यही कहूंगा यार, जो माइनर माइनर टॉपिक है उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जितना आपको पढ़ा दिया, जितने सवाल कर दिए, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे आपके पास, अगर मैं बात करूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो आपका, चाहे आपका क्वांटम हो। सही है, क्वांटम में जो बच्चे फंक्शन फंक्शन की चर्चा कर रहे थे, उसका एक बार एक सेशन में, फिजिकल के सेशन में मैं आपको वहीं पे करवा दूंगा, वो भी आपका काम हो जाएगा। प्लीज इन सारी चीजों को कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, अगर आप आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को कमजोर मत समझो। और स्पेशली मैं आपसे यही कहूंगा यार, जैसे ड्रग्स हुआ, जैसे आपका पॉलीमर वाला चैप्टर हुआ, सही है, और तीसरा आपका बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स का भी एक सेशन लेके आऊंगा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा आपके पास क्या था, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। वहां से ये तीनों टॉपिक जो है, इनको आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर तीनों टॉपिक ना लगभग 10 सवाल लेके आते हैं, छोटे से टॉपिक है, 10 क्वेश्चन इनसे आते हैं, तो इन माइनर टॉपिक पे आप अच्छे से थोड़ा फोकस कीजिएगा। सही है, बाकी नेम रिएक्शंस जो आपने पढ़े, जो रिएजेंट आपने पढ़े, इंटरमीडिएट जो पढ़े आपने, जीओसी, एरोमेटिसिटी, उन सबसे सीधा सवाल आपको मिल जाएगा। सही है, चलिएगा, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सही है, कल मैं मिलूंगा आपको यार पॉलीमर के सेशन के साथ, या फिर देखते हैं कल का सेशन और देखते हैं, आपका शेड्यूल हो जाएगा। सही है, तो पॉलीमर को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, उनके पीवाईक्यू एक बार और देख लेंगे, और जो काम बात होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। सही है, बाकी इन टॉपिक से यार आपको 10 सवाल मिलेंगे ही। सही है ना, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सही है, बाकी इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिसिटी, सही है, और ऑर्गेनोमेटलिक का सेशन लेके आऊंगा। बस मैं इनऑर्गेनिक में एक ओएमसी का सेशन लेके आऊंगा, वो आपका पूरा बीएससी बेस्ड होगा। सही है, जो आपके पास बीएससी में पढ़ाई जाती है, सीएस लेके आएंगे यार, ऑर्गेनिक का लेके आएंगे यार, ऑर्गेनिक का इससे पहले भी तो लेके आए यार, ऑर्गेनिक का, आज का ड्रग्स वाला पोर्शन ऑर्गेनिक का ही तो था, कल जो पॉलीमर आएगा वो भी तो आपका ऑर्गेनिक का ही है। सही है, इससे पहले रिएजेंट का हम लेके आ चुके हैं, और भी जो है ऑर्गेनिक का जो सेशन आएगा बायोमोलिक्यूल्स का आएगा ना, बायोमोलिक्यूल्स का आएगा आगे आपका, तो कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, और आप क्या बोलते हैं यार, रिवाइज करवा दूंगा विनोद जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं पूछता है पेपर में, आसान सी पूछता है, उसका भी सेशन हम कर लेंगे। सही है, चलिए यार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहो यार। सही है, मिशन हमारा अब की बार, देखो बच्चों, मुझे ज्यादा नहीं यार, मेरी इच्छा ज्यादा नहीं है, कम से कम यार हम 1 साल से लग रहे हैं ना, तो कम से कम आप में से 20 मास्टर तो सरकारी बने यार, मेरी इच्छा इतनी सी है। सही, और आपकी इच्छा क्या है, आपकी केवल अपनी है भाई, मेरा तो सिलेक्शन हो, लेकिन जितने बच्चे भी यार ऐप पे पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप अच्छे से मेहनत करो ना। सही है, चलेगा, थैंक यू सो मच। हाँ, ललिता जी कह, ललित कह रहे हैं सर ओएमसी का जरूर लाना। हाँ बिल्कुल लेके आएंगे, बस यार आप यार 1 घंटा टाइम निकालो, सारे बच्चे टाइम नहीं निकालते हैं, सही, कुछ ही बच्चे हैं यार जो हर सेशन को डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, प्लीज आप भी देखिएगा यार। सही है ना, पता नहीं यार पेपर में आपका कहाँ कुछ लॉस हो जाए, वो लॉस मत कीजिएगा। सही है, आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, अपने आप को चेक जरूर कीजिएगा, आपको कुछ याद है भी या नहीं याद। सही है, कल मिलूंगा मैं फिर से एक और सेशन के साथ, पढ़ते रहिएगा, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा।